चिकन जो है ले लिया ठीक है, और यहाँ पर पहुँचा हूँ अभी ठीक है। और यहाँ पर जो है ना अभी निसाब के शुरू करने लगे हैं ठीक है, और सबसे पहले जो है सुफियान सुनाएगा। तो नमाज की शराइत जो है ना ये नाम ही है सिर्फ सुनाने है, इसने वजाहत जो है ना नहीं करनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब, उम्मीद करता हूँ कि खैरियत से होंगे। मैं हूँ हाफिज़ अदनान और आप देख रहे हैं हाफिज़ अदनान व्लॉग्स यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो जो है मस्जिद के बाहर से शुरू कर रहे हैं, और सबसे पहले आप सबको जुम्मा मुबारक कहते हैं, और उसके बाद क्या करना है हमने यहाँ पर, ये आप देख सकते हैं कि आपको पता था कि कुछ दिन पहले हमने कहा था कि मस्जिद की सफाई करनी है, यानी कि हालत काफ़ी ख़राब हुई हुई है, तो इसलिए जो है ना आज सफाई शुरू करेंगे ठीक है। मोटर को भी ऑन कर लेते हैं ठीक है, और यहाँ पर एक लाइट है ठीक है, इसको भी ऑन कर लेते हैं, और जल्दी जल्दी सफाई करके ठीक है, तो कब्रिस्तान भी जाना है, तो फिर दोबारा जो है ना मस्जिद के बाद जाकर मिलते हैं ठीक है। पहले जल्दी जल्दी जो है ना ये सफाई वगैरह जो है कर लें ठीक है। गंद हो गया ठीक है, तो ये जो है ना पता कैसे साफ होगा। अब ये थोड़ी थोड़ी जो है ना इधर सर्फ डालेंगे ठीक है, तो उसके बाद जो है ना पानी मारेंगे तो बिल्कुल जो है ना ये ऐसे जो टाइलें हैं ये ऐसे चमक जाएंगे। तो तकरीबन अभी समझे कि 10 मिनट और लगेंगे ठीक है, तो ये सारी साइड जो है ना समझे कि साफ़ हो जाएगी। इतनी बड़ी तो मस्जिद आई कोई नहीं, तो समझे कि जल्दी काम जो है ना ख़त्म हो जाएगा। तो अभी कैमरा जो ऑफ करते हैं ठीक है, तो उसके बाद सफाई करने के बाद दोबारा मिलते हैं मस्जिद के भाई। फाइनली व्यूअर, यहाँ पर जो है मस्जिद साफ़ सुथरी हो चुकी है ठीक है, वजूहाना वगैरह जो है सारा माशाल्लाह से जो है साफ़ हो चुका है ठीक है, और अब यहाँ पर ये लाइटें ठीक है बंद कर देते हैं। कम्प्लीट हो चुका है, आपको कहा था मैंने कि जुमातुल मुबारक को जो है वो मसल्ला जो है नया वो डालेंगे यहाँ पर ठीक है। तो अभी जो है ना पहले वाला जो है मैं उठा कर घर ले जाऊँगा ठीक है। तो जोहर की नमाज के टाइम तो इधर जमात नहीं ना होनी, क्योंकि जुमा इधर नहीं होता, तो इंशाल्लाह जब असर की नमाज़ पढ़ाने के लिए मैं आऊँगा ना यहाँ पर अब, तो उस वक्त वो घर से ले आएंगे, तो वो लाकर इधर डाल देंगे ठीक है। फाइनली व्यूअर, यहाँ पर आ चुका हूँ घर ठीक है। मसला आप देखें ठीक है, ये बाहर से भी माशाल्लाह जो है ना बहुत खूबसूरत है, और अंदर से पिक्चर यहाँ पर आप देख रहे होंगे इस मसले की ठीक है। तो माशाल्लाह से अब इसको जो है ना घर रखते हैं ठीक है, तो इसको इंशाल्लाह जो है ना धोकर तो कोई 1-2 महीने तक जो है ना दोबारा इसको डालेंगे, क्योंकि वो जो नया है वो भी तो डालना ना, तो वो भी इंशाल्लाह कुछ देर हम डालेंगे, तो उसके ऊपर नमाज वगैरह पढ़ा करेंगे। तो अभी नाश्ता वगैरह कर लेते हैं ठीक है, तो बाइक जो है अपनी वो अंदर ही खड़ी है, उसको लेकर जाना फ्यूल डलवाना है उसमें आज ठीक है। तो वो भी काफ़ी दिन हो गए हैं, पीछे वीडियो में शायद आपने देखा होगा कि हम गए थे, फ्यूल डलवाया था उसमें अलगानी से, तो उसके बाद अब तक जो है ना मैं नहीं गया ठीक है। क
कहीं से यहाँ से नहीं डलवाया, तो अब दोबारा जो है ना उधर ही जाएंगे इंशाल्लाह, तो वहाँ से ही डलवाएंगे। तो अभी कर लेते हैं नाश्ता, तो मिलते हैं नाश्ते के बाद। इस जगह पर पहुँच चुका हूँ अभी और जा रहा था मैं अलगनी पर, ठीक है, और आज मैं अकेला ही जा रहा हूँ, ठीक है, मेरे साथ कोई नहीं है। साथ समझे के हर बंदा जो है ना नहीं चल सकता, बड़ा मुश्किल होता है साथ चलना हर बंदे के, इसलिए मेरे साथ कम कम के बंदे जो है ना वो चलते हैं, ज़्यादा देर तक जल्दी पेंचर हो जाते हैं। शहर में ज़रा रश होता है ना, तो समझे के ठीक हो जाता है। वो लगनी अभी तकरीबन काफ़ी दूर है, तो वीडियो को रोक कर जो है ना उसके करीब पहुँच के फिर जो है ना शुरू कर देंगे। अभी यहाँ पर जो है ना थोड़ी देर वीडियो को रोकते हैं, ठीक है, पेट्रोल वगैरह यहाँ से जो है ना डलवा लिया, ठीक है, और अभी जो है यहाँ से रोड क्रॉस करेंगे, ठीक है, तो दूसरी साइड पे जाना है, उस साइड से फिर दोबारा जो है पीछे लाला मूसा की तरफ। यहाँ पर वीडियो को बंद कर लेते हैं, ठीक है, रोड क्रॉस करके फिर दोबारा उस साइड पे जाके बनाते हैं। जैसे कि व्यूअर आप जानते हैं कि मैंने ब्लॉग भी बनाने होते हैं, आगे पीछे जाना होता है, ठीक है, तो जितना मैंने घूमना होता है ना यहाँ से मैं पेट्रोल ना डलवाऊँ यहाँ से, तो मैं कहता हूँ कि उधर से दूसरे पेट्रोल पंप से डलवाऊँ, तो मैं कहता हूँ मुझे बहुत ज़्यादा यानी कि महंगा पड़ेगा। यहाँ से ये है कि एक दफ़ा डलवा लेना तो समझे कि अगर महीना नहीं तो समझे कि 20-25 दिन आसानी से बंदे के निकल जाते हैं। और उल्टे हाथ से अब वीडियो मुझे लगता है सही नहीं बन रही, तो लिहाजा सामने ही जो है ना बनाते हैं। उल्टे हाथ से कभी बनाए नहीं ना ऐसा भी फ्रंट कैमरे से, तो वो जरा ना अजीब ही लग रहा था। एडिटिंग के दौरान कोशिश करूँगा सही करने की, हो गया तो ठीक है, बाकी हाईटन का मैंने पूछा है तो वो उसका रेट था कि उसका रेट जो है 300 रुपये था, तो पेट्रोल जो है वो पहले वाला ही रेट चल रहा है उसका, वो पता नहीं कब कम होता है। अभी भी और यहाँ से जो है ना जाते हैं लाला मूसा, ठीक है, तो लाला मूसा पहुँच करना, एक दफ़ा लाला मूसा वाले घर पे भी चक्कर लगा लें, तो वहाँ पर जाकर भी थोड़ा सा क्लिप बना लेंगे, उसके बाद फिर दोबारा जो है साथ का बात। 20 minutes later. इस तरह के व्यूअर इधर आया हुआ था लाला मूसा वाले घर में, और अभी तकरीबन हो चुके हैं 12, तो यहाँ से अभी जो है ना जाने लगा था उधर घर सादकाबाद वाले घर में, कुछ चीज़ें लेकर जानी है, मेहमान आ जाएंगे हमारे घर में, ठीक है, और
जो है वहाँ से फिर दोबारा तैयारी करने के बाद जुमा पढ़ना है, क्योंकि यहाँ पर आज तो लाल मस्जिद में पढ़ेंगे या फिर दूसरी मस्जिद में। तो जिधर भी पढ़ा इंशाल्लाह वो आप देखिएगा, वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, ठीक है। जो भी चैनल पर नहीं है उनके आगे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आज बहुत ही समझे कि एक मज़े की बात है, मैंने एक मोबाइल में देख रहा था, मुझे एक बहुत ही पुरानी जो है ना वीडियो मिली है, ठीक है। तो वो लेकिन मैंने जो है ना शॉर्ट वीडियो जो है ना उसमें उसको अपलोड किया है, तो वो आप मुकम्मल देखिएगा। लिंक जो है आपको इसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो वो आप ज़रूर देखिएगा, वो बहुत ही पुरानी वीडियो है, लेकिन मैं उसमें नज़र नहीं आता। वो बाबुल मदीना जो कराची वाला मदरसा है ना, वो उसमें जो है ना थोड़ा सा नज़र आता है, ठीक है। तो कुछ बंदे भी बैठे हुए नज़र आते हैं, लेकिन मैं उसमें नज़र नहीं आता, ठीक है। उस वक्त ये जो है वीडियो बनाने वाला सिलसिला जो शुरू ही नहीं किया था, तो उस वक्त मैं नहीं वीडियो बनाता था। तो वो आप वीडियो शॉर्ट वीडियो जो है ना वो देखिएगा, कराची गया था तकरीबन आज से तकरीबन जो है ना 2-3 साल पहले की जो है ना बात है, ठीक है। तो अभी चलते हैं घर, ठीक है। तो जो चीज़ उन्होंने कहा है वो लेकर चलते हैं, ठीक है। तो बाकी इंशाल्लाह वीडियो बनती रहेगी, मुकम्मल आप देखिएगा। फाइनली व्यूअर, यहाँ पर जो है ना तैयारी वगैरह कर ली है जुमा की, ठीक है। और अभी जाने लगा हूँ मैं वहाँ पर लाला मूसा में जुमा पढ़ने के लिए, ठीक है। सफ़ेद कलर के कपड़े पहन लिए, ठीक है। और ये जो चश्मा ना, ये मैं ढूंढ रहा था वहाँ पर लाला मूसा वाले घर में, लेकिन ये जो है ना इधर ही पड़ा हुआ था। तो अभी जो है तैयारी हो चुकी है, तो अब चलते हैं वहाँ पर लाला मूसा में, ठीक है। तो जुमा पढ़ते जाकर, तो किस जगह पर पढ़ूंगा मैं, आप आगे वीडियो देखते रहिएगा तो पता चल जाएगा आपको। फाइन जी व्यूअर, यहाँ पर जो है ना बाइक खड़ी कर दी, और ये गली है, ठीक है। तो आपको पता चल ही गया होगा कि हम नमाज पढ़ने लगे लाल मस्जिद में। जो बंदा ना पसंदीदा बात देखे, ना पसंदीदा काम देखे, मत रहा फल जो है अपने हाथ से उसको रोके, अगर हाथ से रोकने की ताकत नहीं तो जुबान से रोके, हाथ जुबान से नहीं रोक सकता कभी कल्ब ही, तो कम अज कम अपने दिल में उस बुरे काम का बुरा ख्याल करो, दिल से तो उसको बुरा समझे। थोड़ी सी तवज्जो दिलाई दिलाऊंगा हमारे मुल्क के अंदर इस वक्त जो सूत्याल पैदा हुई चंद दिन पहले, कौमी अमदात का नुकसान हो जाएगा। बगैर किसी पार्टी का तस्वर किए अपने जेब से हर किस्म की पार्टी का तस्वर निकाल का ये बात, वो नुकसान किसका हुआ, ना फौज का हुआ ना पुलिस का हुआ, वो फौज बुलंद का हुआ, वो फौज कौमी अमलात का हुआ, बदली अमलात एक बंदा अपने आप को कौमी कहे बदली कहे और बदली कौमी अमलात को नुकसान पहुंचाए, तो वो कौम का इज्तिमाई नुकसान, वतन का इज्तिमाई नुकसान। 20 minutes later. इधर बैठूंगा, ठीक है, और यहाँ पर ये बैठेंगे, ठीक है। साथ ये बोर्ड भी आज पड़ा हुआ था, तो मैंने कहा चलें सही सेटअप बन गया हमारा। और ये इंसाब मुझे दें, कहाँ से लेके कहाँ तक है जी, इस साइड से जो है ना अजान, और ये यहाँ पर जो है ना अभी इंसाब के शुरू करने लगे हैं, ठीक है। और सबसे पहले जो है सुफियान सुनाएगा, तो नमाज की शराइत जो है ना ये नाम ही है सिर्फ सुनाने हैं, इसने वजाहत जो है ना नहीं करनी। तो उसके पहले जो है ना ये अजान है, ठीक है, अजान के बारे में जो है सुनेंगे इनसे, ठीक है। आपसे पहला सवाल है, अजान किसे कहते हैं? मुसलमानों को नमाज की तरफ बुलाने के लिए हाथ से लांग को अजान कहते हैं जी। उसके बाद बताइए, क्या अजान से पहले दुरूद शरीफ पढ़ सकते हैं? जी हाँ, अजान से पहले दुरूद शरीफ पढ़ना सवाब का काम है। उसके बाद बताएं, क्या अजान फर्ज है?
जी नहीं बल्कि पांच वक्त फर्ज नमाज जो जमात के साथ मस्जिद में अदा की जाए उसके लिए अजान सुन्नत मुअक्कदा है। जी उसके बाद आगे बताएंगे जब अजान हो तो क्या करना चाहिए। अजान के एहतराम में गुफ्तगू और तमाम का रोक कर अजान का जवाब देना चाहिए। जी चुप करके सुननी चाहिए अजान और उसका जवाब देना चाहिए, ठीक है, ये नहीं कि बातें करते रहें। उसके आगे अजान के अल्फाज जो हैं वो भी सुना दें। अजान के अल्फाज ये है अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह हय्या अलस्सलाह हय्या अलफलाह हय्या अलफलाह अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह। आप सोच रहे होंगे कि अजान इतनी तेज़ी से सुना दिया, अजान तो आराम से पढ़ते हैं, तो आराम से पढ़ी हुई तर्ज के साथ पढ़ी हुई अजान इनकी अगर आपने सुननी हो, एक ये है और एक मेरा दूसरा स्टूडेंट है और भी काफ़ी सारे स्टूडेंट है उसमें, तो वो पीछे वीडियो है उसका थंबनेल आपको यहाँ पर स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, वो वाली वीडियो जाकर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो उसमें मुकम्मल अजान जो है ना सही तर्ज के साथ वो जो है इन्होंने पढ़ी है, ठीक है। तो एक कॉम्पिटिशन था हुस्न अजान, तो उसमें जो है ना इन्होंने हिस्सा लिया था, तो वो भी वीडियो आप वहाँ पर जो है ना मुकम्मल देख सकते हैं, ठीक है। आगे आपसे सवाल है नमाज की शराइत कितनी है। नमाज की शराइत छह है तहारत सदर औरत इस्तकबाल कबला वक्त नियत तकबीर तहरीमा। जी ये इनका जो है ना सबक था, ठीक है। तो अगले जुमातुल मुबारक को इंशाल्लाह जो है ना ये इनकी वजाहत भी जो है ना करके बताएंगे कि तहारत सितरे औरत इस्तकबाल क़िबला इनकी वजाहत क्या है, वक़्त नियत तकबीर तहरीमा इसकी वजाहत जो है करके मुकम्मल सुनाएंगे इंशाल्लाह। दूसरे नंबर पे ये स्टूडेंट हैं, ठीक है, और इनका सबक जो है ना ये यहाँ से शुरू होता है, ठीक है, खाने के बाद जो कुछ पढ़ा जाता है और पहले पढ़ा जाता है वो सारा कुछ बिस्मिल्लाह अगर भूल जाएँ तो वो क्या करना होता है, तो यहाँ तक जो है ना ये सुनाएंगे, ठीक है। तो अभी ये कैमरा आप पकड़ेंगे, शुरू करें यहाँ से खाने से पहले। खाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन ये करना चाहिए। अगर अगर शुरू में बिस्मिल्लाह याद हुआ करना भूल जाए तो याद आने पर ये दुआ पढ़ें बिस्मिल्लाह अव्वला व आखिरा। रोटी दाएं हाथ में लेकर बाएं हाथ से, तो ये दाएं हाथ कौन सा होता है बता रहे हैं ना, बाएं हाथ में लेकर दाएं हाथ से तोड़े, बाएं हाथ कौन सा है और दाया सीधा। जी क्या लिखा हुआ है, रोटी 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 बाएं हाथ में लेकर दाएं हाथ से तोड़िए। खाना जरूरत से ज्यादा ना लीजिए और गिनने से चाहिए। रोटी के टुकड़े या चावल के दाने गिर जाए तो उठाकर खा लीजिए के मगफरत की बिशारत है। खाना खाने के बाद हाथ धोकर अच्छी तरह पूंछ लीजिए। जी इसके आगे जो सबक दिया जाएगा यहाँ से जो है ना शुरू होगा इनका छींक के मदनी फूल और ये भी पूरा कर लेना और ये नीचे वाला जो है जमाही ये भी दो लाइनें और तीन ये लाइनें हैं ये भी छोटी छोटी हैं मुख्तसर ही इतना यहाँ तक, ठीक है ना, यहाँ तक कर लेना ये जनाब इनका जो है ना सब। इस तरह के व्यूअर स्टूडेंट्स जो है ना वो पढ़ के चले गए हैं, ठीक है, और अभी मैं यहाँ पर थोड़ी देर रुकूंगा, ठीक है, और उसके बाद जो है ना घर जाऊंगा वापस। अभी गर्मी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, बाहर समझा के निकल ही नहीं सकते इस वक्त, बंदा क्या करे फिर, गर्मी इतनी ज़्यादा है। तो स्टूडेंट जो है ना पढ़ के चले गए हैं और आज मज़े की बात आपको बताऊँ कि जिस मस्जिद में जुमा पढ़ा था मैंने वो लाल मस्जिद में पढ़ा था जुमा, ठीक है, पीछे रिकॉर्डिंग आपने देखी होगी वीडियो में। तो वहाँ पर ना सलातो सलाम जो है ना वो मैंने ही पढ़ाया था, ठीक है, तो वो सलातो सलाम की वीडियो जो है ना वो आप इस वीडियो के लास्ट में देखेंगे, बिल्कुल आखिर में जहाँ पर समझे कि वीडियो का एंड हो रहा होगा ना वहाँ पर आप वो सलातो सलाम सुनेंगे, ठीक है। तो मुकम्मल देखिएगा वीडियो,
ठीक है, और उसके बाद के शुरू में तिलावत होती है, ठीक है, उसके बाद फिर नात वगैरह होती है, बयान होता है, उसके बाद फिर सलातो सलाम होता है। इसी तरह हमारी आज के वीडियो के लास्ट में जो है ना आप सलातो सलाम जो है ना सुनेंगे इंशाल्लाह। तो वो मैंने ही पढ़ाया था वहाँ पर लाल मस्जिद में, तो अभी थोड़ी देर रुकते हैं यहाँ पर, ठीक है, तो उसके बाद फिर जा रहा था अपने घर की तरफ, चिकन जो है ले लिया, ठीक है, और यहाँ पर पहुँचा हूँ अभी, ठीक है। जो दोस्त अभी तक वीडियो को देख रहे हैं उनका शुक्रिया अदा करते हैं, ठीक है, और आगे भी देखते रहिएगा। अभी आपने सलातो सलाम जो है वो सुनना है हमारा, ठीक है, तो वो आप इस वीडियो के आखिर में जो है ना देखेंगे इंशाअल्लाह। जिस तरह के व्यूअर्स को बात कर रहा था मैं कि यहाँ पर ये मसाला डालेंगे, तो अभी मैं ले आया हूँ इसको, ठीक है, तो अभी जो है ना यहाँ पर इस मसाले को हम डालेंगे, ठीक है, तो अभी वीडियो को ऑन करके मैं सही तरह इसको डाल देता हूँ, ठीक है, तो मिलती हैं असर की नमाज के बाद।